शादियों के सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि चांदी के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं सोने के भाव में भी गिरावट जारी है। सोने का भाव सस्ता हो सकता है, इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव सस्ता होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दे। वही अगर बात करें सोने और चांदी की कीमतों की, तो यहाँ पर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का कहना है कि सोने में गिरावट का कोई बड़ा ठोस कारण नहीं है, लेकिन सोने और चांदी की कीमतों में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के भाव में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, तो वहीं सोने के भाव में गिरावट जारी है। वहीं अगर जानकारों की माने तो उनका कहना है कि अमेरिकन फेडरल बैंक ने ब्याज दरों को निचले स्तर पर कायम रखा है, इसे सोने पर विपरीत असर पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में सोने में बढ़त देखने को मिल सकती है, कीमतों में तेजी आ सकती है, लेकिन अभी नहीं। अभी सोने के भाव में और गिरावट आने की शंका है, आने वाले कुछ महीनों में गिरावट आ सकती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव सस्ता होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें।